हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सबका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास फाइव के इंग्लिश की बुक इंग्लिश की बुक का नाम है स्प्रिंग और उसकी करवाने वाले आपको हम वर्क बुक और वर्क बुक का आज पहला डे है मतलब पहली क्लास जो डे थ्री से स्टार्ट होती होती है तीसरे दिन से वर्क बुक की क्लास शुरू होती है और पहला टॉपिक है रिवीजन यानी जो आपने पहले पढ़ा होगा क्लास थ्री में या जो भी है तो उसका पहले रिवीजन कराने वाले हैं क्योंकि इस क्लास की इस किताब की थोड़ी डिमांड की गई आप इसको पहले पढ़ा दीजिएगा तो हम इसे पहले शुरू कर रहे हैं तो इसमें आज पहली क्लास है शुरू करते हैं रीड द अलाउड अंडर लाइन एंड राइमिंग वर्ड्स मतलब ये जो लिखा हुआ राइमिंग वर्ड्स इनको थोड़ा तेज तेज पढ़ना है कि राजा इज ए मैन राजा एक आदमी है राज इज ए मैन ही हैज ए बैन उसके पास एक बैन गाड़ी है और द बैन हैज ए फैन हैज ए फैन तो ये बैन कह रहा है बैन के अंदर एक फैन भी लगा हुआ फैन में क्या होता पंखा, तो इसमें एक पंखा भी लगा हुआ थी केवल पढ़ने के लिए था अगला क्वेश्चन है कि रीड रीड द द फॉलोइंग फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स में दिए गए शब्दों को पढ़िएगा मतलब एंड जैसे कैप लिखा हुआ है यहां पर तो आपको केवल यहाँ कैप केवल, के, केवल लिख देना और कुछ नहीं करना यहां लिखा हुआ कैन और ये लिखी हुई कैट और ये लिखा केव, ये केवल देख के इसमें लिखने थे नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट कंप्लीट द सेंटेंस मतलब बाकियों को पूरा करिएगा विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स सही शब्दों का चुनाव करके या सही शब्द को लेकर के फ्रॉम द बॉक्स ये बॉक्स है इसमें बैग कैप और मैट दिया गया और इनको पूरा करना है इनको लेकर के यानी खाली जगह भरनी दिस इज माई या कैप लिखा हुआ दिस इज माई कैप चित्र बना हुआ तो आपको कैप लिख देना यहाँ पर सी ए पी और आगे लिखा इट इज रेड ये लाल है फिर है दिस इज मैट दिखाई दे रही तो मैट लिखा हुआ आप इसमें मैट और आई सिट ऑन इट मैं इस पर बैठता हूँ माने बैठना दिस इज ए बैग बी इट मैं इसे पसंद करता हूं या मुझे ये अच्छा लगता है नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है कि ऐड सम मीनिंगफुल राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो यानी आप एन जैसे एन वर्ड्स का मतलब है कि जो शब्द आप लिखेंगे उसकी लास्ट की स्पेलिंग ए एन होनी चाहिए जैसे ने एफ ए एन लिखा फिर पी ए एन लिखा इसी प्रकार से आप भी कुछ लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड मतलब ए तोकांत वाले शब्द कैन लिख सकते हैं एम ए एन मैन लिख सकते हैं देखो तो ए एन वाले शब्द लिखते चले गए और भी बहुत से हो जाएंगे एटी आपको एटी वाले शब्द लिखने हैं जिनके लास्ट में एटी जैसे बी ए टी वेट एच ए टी हैट और सी ए टी कैट और एम ए टी मैट हो जाएगा इस प्रकार से एटी वाले शब्द इसमें लिखने देते। ये थे ये थी डे थ्री की क्लास नेक्स्ट देखते हैं okay. अगले डे फोर की क्लास है ये भी रिवीजन एक्सरसाइज से संबंधित है कि पिछले क्लास का आप इसमें रिवीजन करेंगे रीड अलाउड यानी तेज तेज पढ़िए अंडरलाइन द रामिक बर्ड्स और रामिंग बर्ड्स को अंडरलाइन भी करिएगा जो कि हमने पिछले क्लास में नहीं की रामिक वर्ड्स का मतलब होता है जैसे फैट रेट फैट हैट सेट मैट रामिक वर्ड्स का मतलब होता है तुकांत वाले शब्द जिनका तुकबंदी हो रही हो मुंह से एक जैसी आवाज़ निकल रही हो जैसे रेट फैट हैट सेट मैट कैट ये सब एक जैसे शब्द हैं तो उनको अंडरलाइन करना था पिछली क्लास में हमने करना भूल गए तो हमने ये पढ़ ये से लिखा दिस इज ये चूहा है दिस इज फैट ये मोटा है इट है इट इज फैट ये मोटा है इट हैज हैट, हैट लगाए हुए टूप द रेट सेट ऑन ए मैट चूहा चटाई पर बैठा है सेट मतलब बैठा है शिट माने बैठना है क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन शब्दों को शब्दों को पढ़ना है और रिराटमीस पुनः दिएगी जगह में खाली जो जगह दी गई इसमें लिखना है तो ये मिस होती कढ़ाई या तवा तो यहां पर ऐसे लिख देना है पी नेप, पी मेप, और बी ए टी बैट नेप क्या होता है नेप? नेप का मतलब होता है झप्पी लेना जैसे आप पढ़ रहे हो और आपको सुस्ती आ रही हो तो आप थोड़ी दस पांच मिनट के लिए एक झप्पी ले सकते हैं जिससे आप एक तरीके से रिचार्ज हो जाएंगे और दोबारा फिर पढ़ सकते हैं तो वो नैप कहा जाता है आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस दिए गए शब्दों को पूरा करिएगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर दिए गए चित्र की सहायता से जैसे आई हैव ए हैट या हैट छुपा हुआ छिपा हुआ या कैप लिख सकते हैं आई हैव कैप भाई आर आ, भाई आर यू देखो यहाँ लिखा हुआ एक चेहरा दिखाई दे रहा जो बड़ा सुस्त है तो लिख सकते हैं भाई आर यू सैड आप दुखी क्यों हैं आई ड्रॉ इंडिया मैंने खींचा किया इंडियास, इंडियास इंडिया का मैप मैंने भारत का चित्र खींचा है आई प्ले विद माई यहाँ बैट छपा हुआ था। बैट लिख दीजिएगा मैं अपने बैट के साथ खेलता हूं अगला क्वेश्चन है ये एड, ये एपी एड करके जैसे सी ए पी कैप है और ये टी ए बी है इसी प्रकार से आपको और भी अपने अपने तरफ से जोड़ने जैसे एम ए पी मैप है एन ए पी है इसमें डी जोड़ना जैसे एलईडी और एम ई डी दो लिखे हुए और एक लिख सकते बी ए डी और एच ए डी डी ए डी और भी बहुत सी शब्द हैं नेक्स्ट क्लास देखते हैं फाइव डे की डे फाइव की क्लास है इसमें भी आपको रीड अलाउड तेज तेज पढ़िएगा और अंडरलाइन पढ़िएगा रामिक बर्ड यानी तुकांत वाले शब्दों को अंडरलाइन करिएगा जैसे टेन पेन और दो ही हैं तुकांत वाले टेन और पेन रेड इसके तुकांत में नहीं आता है और नरेन, हैस टेन नरेन के पास दस है, बन हो रही है तो में सरल होते है रीड दर्ड्स एंड री राइट वो इनको पढ़ना है और लिखना है पी इजी पैग चिमटी होती है के, इस से एक तरीके से ये बर्तन है पानी भरा हुआ है बी इजी बैग मतलब मांगना भीख मांगना एल इजी लेग, लेग माने टांग होती है तो वो यहां पर लिखने भी है पी के और बी और लेग। तो पढ़ के लिखने थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस ये दिए गए वाक्यों को पूरा करेगा विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन शब्दों का चुनाव करके यानी कालू इज माई या डॉग लिखा हुआ है तो पेट लिखना है पी टी पेट पैट माने बोलता है पालतू कालू मेरा पालतू कुत्ता है इट इज ए स्मॉल डॉग ये छोटा कुत्ता है दिस इज माई पेन पेन छपा हुआ पेन लिख देना या पेन लिखा भी है आई लाइक इट मैं इसे मुझे ये अच्छा लगता है इज अब यहाँ एक रह गई हैन तो हैन ही भरा जाएगा तीसरा और यहाँ हैन छपा भी है हैन ही, -e हैन, ए हैन is barking, एक मुर्गी घूम रही है आगे शब्द लिखने हैं ये तुकांत वाले शब्द मैन हैन पैन ई एन लगा के जोड़ने थे अब की बार इजी लगा के जोड़ने हैं इजी के ई बी ई एल इजी और एक लिख दिएगा पी ई जी पैग तो ई लगा के शब्द जोड़ने थे हमको नेक्स्ट क्लास देखते हैं सिक्स डे की क्लास नेक्स्ट छठवें दिन की क्लास देखते हैं ये भी रिविजन एक्सरसाइज रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द रैमिक वर्ड पढ़ना है और रामिक वर्डो को अंडरलाइन करना जैसे रैमिक वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं जैसे नेट बैट और सेट ये रैमिक वर्ड है और हैन के साथ कोई शब्द नहीं मिलता है तो कांत वाले शब्द केवल ये तीन ही है ची 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 इज हैन। मतलब हैन ची 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 कर रही है ऐसे कह सकते द हैन गेट्स ए नेट गेट्स ए नेट यानी मुर्गी को एक जाल मिल जाता है द नेट इज बैट वह जाल भीगा हुआ था बैट भी होता भीगा हुआ द सन सेट सूरज छिप चुका है सेट माने छिपना होता है सूरज के लिए नेक्स्ट है रीड द फॉलो सेंटेंस एंड कम्प्लीट विद विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ये सेंटेंसों को पूरा करना है इसमें लिखना है इन चित्रों की सहायता से तो यहाँ लिखा हुआ बी गेट एग हम अंडे प्राप्त करते हैं फ्रॉम द किससे तो यहाँ लिख देंगे आप हैन पूरा लिखना था इसके आगे हैंन लिखा जाएगा आई किक द बाल विद माई हमने किक मार दी बाल को यानी बाल को हमने ठोकर मार दी तो किससे मारी ठोकर तो आप लिखेंगे लेग यानी पैर से आई लाइक टू स्लीप ऑन माई हम किस पर सोना पसंद करते हैं चित्र का आप हैं। इसमें बी -डी Next है. हेल्प ऑफ पिक्चर इन चित्रों की सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे आई हैव रूपीज इसमें टेन बना हुआ है हमारे पास दस रुपए हैं. माय फेवरेट कलर इज जो कलर आपको दिख रहा है उसका नाम लिख देना रेड ही हैज ए ये एरोप्लेन का चित्र है, लेकिन ये टॉय लिखेंगे आप टॉय एरोप्लेन लिख दें या टॉय लिख दें द इज इन द मछली किसके अंदर है जाल के अंदर तो नेट लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड इनमें ऐड करके लिखना है जैसे ई डी इन्होंने लिख दिया एक हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं डी और एक लिख दीजिएगा अपनी तरफ से एक शब्द लिख दीजिएगा पी लिख सकते पेड या बैट सेट नेट लिख सकते हैं और गेट लिख सकते हैं जी ई टी तो ई टी लगा के हमने ये जोड़ दिए नेक्स्ट सेवन डे की क्लास देखते हैं रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द रामिक वर्ड सेवन डे की क्लास में है कि इन शब्दों को तेज तेज पढ़िएगा बाकियों को और जो तुकांत वाले शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन करिए जैसे वाले कौन है एक एक कैट fat rat और get इतने एक तोकांत के दूसरे हो गए bed और red ये एक तोकांत के हो गए तो ये तोकांत वाले शब्द अंडरलाइन कर दिया पढ़ लेते एक कैट सीज द फैट रैट एक बिल्ली ने मोटा चूहा देखा एक कैट सीज सीज मींस देखती है द फैट रैट मींस एक मोटे चूहे को द कैट लाइक्स द फैट रैट बिल्ली को है लाइक मींस होता अच्छा लगना पसंद करना द कैट लाइक्स द फैट रेट वह बिल्ली उस मोटे चूहे को पसंद करती है यानी वह पसंद का भोजन है उसका द कैट गेट्स ए पिग बेड बिग बेड और वह बिल्ली को एक बड़ा सा बिस्तर मिल जाता है या एक बड़ा सा बिस्तर मिलता है ये कहेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के की सेंटेंस है फॉर दिस फैट रेट जो कि एक मोटे चूहे का है bed इज रेड और वह जो बेड है वो कैसा है रेड कलर का है following sentence, इनको पढ़ना है केवल आपको next में कि एक बुरा लड़का है इट इट इज ए बैड यह एक बिस्तर है इट इज योर बैग ये तुम्हारा बैग है ही नीड्स टू बैग ही नीड्स टू बैग वह उसे मांगने की जरूरत है वह मांगता है इट इज योर पेन ये आपकी कढ़ाई है नो दिस इज माई रेड पेन नहीं दिस इज माई रेड पेन यह मेरा लाल पेन है आई एम ए मैन मैं एक आदमी हूं दे आर मैन बे आदमी है यानी भी कई लड़के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कैटेगराइज यानी आप उनको वर्गीकृत करिएगा या उनको एक तरीके से अलग अलग करके रखिएगा बर्थ बिलो एज पर देयर साउंड आवाज के अनुसार आपको जैसे ए जी यहां लिखा ए जी साउंड तो इनके जिनके लास्ट में ए जी आ रहा हो वो आपको इसमें लिखना जैसे आर ए जी रेग और ए जी में आ रहा है टी ए जी और ए जी में आ रहा है बी ए जी इस प्रकार से अलग करने थे दूसरा है ई टी वाले ई टी का एक है एस ई टी एक है जी ई टी और एक है एल ई टी फिर ए बी साउंड वाले जैसे कैब सी ए बी एल ए बी और एक और होगा नेव एन ए बी अब ए टी साउंड वाले ए टी से मतलब है हेड और बी ए टी बैट और सी ए टी सेट अब एम साउंड वाले निकालिएगा एम एम से मतलब है, है और जैम। -ए और लास्ट है डी ए एम डैम तो इस क्लास में हमने आपको क्लास थ्री से लेकर के क्लास सेवन तक के एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा दैट्स ऑल जय हिंद जय जे भारत